हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग, पिकअप आइल रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या न्यू हो सकता है, क्या बढ़िया हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी सिचुएशन ऐसी होंगी जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मेन फोकस हमारा लव रिलेशनशिप्स पर होगा, बट अगर कुछ फाइनेंस, हेल्थ और कैरियर के रिगार्डिंग मैसेजेस मिलेंगे तो वो भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को दूंगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स बी स्टार्ट। ये एक वेल शफल डेक है एंड देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कार्ड्स। सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन इज़ इम्प्लाइंग कि चीज़ें स्टक हैं, सिचुएशन रुकी हुई हैं, थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, वाइज काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोग, या फिर जिससे डील कर रहे हैं आपके पर्सन वो किसी प्रोजेक्ट पर, किसी रिलेशनशिप पर, किसी भी चीज़ पर। सिनारियोज़ अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं, तो लाइफ में आपके कुछ भी सिनारियो हो, आपकी सिचुएशन स्टक्ड है। ऐसा लगता है कि आप, किसी ने आपको ऐसे लटका दिया है कि ना तो आप आगे बढ़ सकते हो, ना आप पीछे मुड़ सकते हो, ना कोई स्टेप ले सकते हो, और जस्ट वेट 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 एंड थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। इतने नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, वाइज होने के बाद भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे इस स्टक सिचुएशन से, इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर निकला जाए। लेट्स वी चेक आवर नेक्स्ट कार्ड। आवर नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 of Cups। 4 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं, या किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। एंड 4 आपके लिए प्रोमिनेंट नंबर हो सकता है, 22 प्रोमिनेंट हो सकता है, 13 प्रोमिनेंट हो सकती है डेट। एंड अगर बात की जाए तो आप लोग ना काफ़ी डीपली सोच रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिवली सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, लेकिन कुछ रिजल्ट निकल ही नहीं रहे। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बार बार किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, बार बार प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, बार बार कन्फेशन सेंड कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन अपने ही धुन में बैठे हैं एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना मेडिटेशन करते जा रहे हो, अपने बारे में सोचते जा रहे हो, किसी एक स्टैग्नेंट और स्टक पोजीशन में हो, एंड आपको उसको छोड़कर कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं डेफिनेटली यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी भी यहाँ पर है। नाइट ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग कि आप वेट कर रहे हो किसी प्रपोजल का, किसी कन्फेशन का, किसी कमिटमेंट का। आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो सकता है कि कोई आपका क्रश भी हो, एंड आप सोच रहे हैं कि वो आपको खुद से प्रपोज करे, खुद से आपकी तरफ आए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का हो सकता है। आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन ट्रैवल करके आए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो फिजिकली आपकी तरफ आए और कोई स्टेप ले, कोई एक्शन ले। नाइट ऑफ वैंड्स जो है स्पीडली एक्शन का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जिसमें स्पीड में एक्शन लिया जा रहा है एंड टोटल फोकस एक्शन पर है, राइट? सो एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। एक तरफ नाइट ऑफ वैंड्स है, दूसरी तरफ नाइट ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में आप लोग हैं तो लव काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे बताते हैं, दोनों कार्ड्स, कि एक्शन का बहुत बेसब्री से वेट है कि कब एक्शन होगा, कब स्टैग्नेंट सिचुएशन, स्टक सिचुएशन रिमूव होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब ये पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, कन्फेस करेंगे एंड इस रिश्ते में एक नया स्टेप लेंगे। एंड वहीं मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, और वहीं ये चीज़ भी होती है कि जब आप उन्हें चेज़ करती हो तो वो रन करते हैं, एंड जब आप रुक जाते हो तो वो पीछे से मुड़कर मैसेज करते हैं। ना वो मूव ऑन करते हैं, ना वो आपको करने देते हैं, ना वो नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, ना वो आपको लेने देते हैं। आप येस बोलते हो तो वो नो बोलते हैं, वो येस बोलते हैं तो आप नो बोलते हो। आप लोगों की मेंटालिटी, आप लोगों के कॉन्वर्सेशन, आप लोगों की डिसीज़न मैच नहीं करते हैं, राइट। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के फियर्स को दिखाते हो, एक दूसरे की इच्छाओं को दिखाते हो, एक दूसरे की टेंशंस को हाईलाइट करते हो और ट्रिगर करते हो। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है बिकॉज डिवाइन हैंड इज़ हेयर। एंड इस सोलमेट कनेक्शन में जब तक आप लोग मैच्योर नहीं हो जाओगे, बैलेंस नहीं हो जाओगे, खुद में कंप्लीट नहीं हो जाओगे, तब तक ये रिश्ता आगे बढ़ना टफ रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। वन मोर कार्ड फॉर यू इज़ 4 ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, लेकिन वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादा है। 2 कार्ड्स हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 6 ऑफ सोर्ट्स इज एम्प्लाइंग कि आप अपने पर्सन के साथ दूर जाके बसना चाहते हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, राइट। एंड वन मोर कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैज इज अगेन हेयर। एंड वन मोर कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। गुड। एंड अब हम बॉटम से चेक करेंगे, व्हाट इज़ बॉटम। बॉटम यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन उसके नीचे का कार्ड भी अपने आप निकल के आया है विच इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इनको मैं ऐसे रखती हूँ। आप में से बहुत लोग ना मैरिज का वेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। वही एस ऑफ पेंटिकल इज इम्प्लाइंग कि हो सकता है कुछ लोग कैरियर में जॉब प्रपोजल, आउट ऑफ स्टेशन विजिट, फॉरेन विजिट के बारे में भी काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग सम टाइम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और आपको वही जॉब चाहिए, वही ऑफिस चाहिए, वही शहर, सिटी या वही फॉरेन कंट्री चाहिए। वेल स्टैंड लेना चाहते हैं आप जॉब में, और जब आपको अपनी मनपसंद प्रपोजल नहीं मिलते तो आप उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे सिचुएशन दिख रही है, जिसकी वजह से ऑफ़र्स तो बहुत आते हैं लेकिन आपकी मनपसंद वाला ऑफ़र नहीं आता तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। चीज़ें स्टेगनेंट हैं, रुकी हैं, एंड आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल करने का, आउट ऑफ सिटी जाने का, या फिर एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर बिल्डअप करने का। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। फर्स्ट थिंग इज़ दिस 4 ऑफ रोड, सेकेंड थिंग इज़ दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक नया प्रपोजल, नया कन्फेशन, नया कमिटमेंट। नया कन्फेशन, नया कमिटमेंट का मतलब वो है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस कन्फेशन, जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ सकती है। 4 ऑफ रोड्स इज हेयर। आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ की बात की जाए तो कुछ लोगों की एंगेजमेंट या फिर मैरिज भी फिक्स हो सकती है। अगर आप लोगों की हो तो डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वैसे भी नेक्स्ट 7 डेज़ की वीडियो इतनी प्रोमिनेंट होती है कि जब भी मैं प्रिडिक्ट करती हूँ तो कुछ लोग डेफिनेटली कहते हैं कि मैम ऐसा हमारी लाइफ में हो गया, एंड थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली इस रीडिंग को डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग है। 2 ऑफ सोर्ट्स इज इम्प्लाइंग कि आप लोगों की लाइफ में या फिर आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है, दूसरा बहुत ज़्यादा दिल से। जब दोनों दिमाग और दिल का बैलेंस बिठा लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। दूसरे पर्सन ऑटोमेटिकली आपको मिरर कर रहे हैं, वो अपना वर्क कर लेंगे। एंड किंग ऑफ सोर्ट्स इज़ इम्प्लाइंग कि हो सकता है आप में से कुछ लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। डेफिनेटली वो चीज़ें भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत हार्श हैं, बहुत रूड हैं, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी रहती है कि ये पर्सन तो कभी कुछ सुनेंगे नहीं, तो यू आर टोटली रॉन्ग हेयर। या आपको लव भी करते हैं, या आपको लेकर पैशनेट भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, दूर जाकर शांति से रहना भी आपके साथ चाहते हैं, बट सिचुएशन स्टैगनेंट है। सिचुएशन इज़ स्टैगनेंट, सिचुएशन रुकी हुई है। और जो मुझे यहाँ पे देखकर ये मैसेज भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से मैक्सिमम लोग इस टाइम स्टेज में हैं कि अगर ये पर्सन कोई एक्शन लेता है, इट्स वेल एंड गुड, मैं मूव ऑन तो नहीं कर रहा हूँ या मैं मूव ऑन तो नहीं कर रही हूँ, बट मुझे अब इसको एटलीस्ट फॉलो नहीं करना, चेज नहीं करना, इसकी मनमानी को नहीं सहना। अपनी एनर्जी आप लोगों ने ऐसी बिल्डअप कर ली है कि मुझे अब एक स्टेप पीछे लेना है, मुझे पागलों की तरह इसको फॉलो नहीं करना, इस पर मरना नहीं, इसका वेट नहीं करना, इसके बारे में सोचना नहीं है। एंड अब इस पर्सन की बारी है, इसे स्टेप लेना है, इसे सोचना है, इसे आगे बढ़ना है। अगर अभी भी आगे बढ़े इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे इसको और फॉलो नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसी, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है कि जिसमें आपकी एनर्जी ऐसी है जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्वाइट मैच्योर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आप लोग फोकस करने वाले हो और आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि अब आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की ये है। अगर आप रियल में ऐसी एनर्जी में हो जिसमें अब आप इनको फॉलो नहीं करोगे, इनको चेज़ नहीं करोगे, हमेशा इनके बारे में नहीं सोचोगे, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपने कैरियर और अपनी फैमिली पर फोकस करोगे, तो डेफिनेटली विद इन 7 days इन नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास ये पर्सन आ सकते हैं, आपके पास ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपके पास नया प्रपोजल आ सकता है, आपके पास कमिटमेंट आ सकता है, आपकी मैरिज एंगेजमेंट की बात फिक्स हो सकती है या आप लोगों का गेट टुगेदर फिजिकली हो सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग सीक्रेटिव मैरिज भी करना चाहते हैं, कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। डेफिनेटली आप उन चीज़ों के लिए भी आगे बढ़ पाएंगे अगर आप इस एनर्जी में हैं जिसमें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन सी मनमानी आप बर्दाश्त कर सकते हो, कौन सी नहीं। कई बार एक स्टेज ऐसी आती है जब लगता है कि बहुत मनमानी सैली। आई नो कि ये पर्सन लव करते हैं, आई नो ये पर्सन केयर करते हैं, आई नो ये पर्सन पैशनेट है, आई नो फ्यूचर में मैरिज हो जाएगी, बट मैं अब और नहीं सह सकता या नहीं सह सकती इनकी मनमानी। अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए। अगर उस सिचुएशन में उस तरीके से ये पर्सन आते हैं, आई एक्सेप्ट हिम और हर। अदरवाइज मेरी लाइफ में मुझे स्पेस चाहिए, मेरी लाइफ मेरे खुद के लिए है, मुझे इंजॉय चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं अब उतना नेगेटिव नहीं हूँ। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और अपनी सिचुएशन, अपने डिसीज़न पर क्वाइट स्ट्रॉन्ग हैं, दैट मीन्स अगेन मेल्ट नहीं होंगे, अगेन इमोशनल नहीं होंगे, अगेन आपको कोई टस से मस नहीं करेगा, आपको कोई हिलाएगा नहीं। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली विद इन 7 days विद इन नेक्स्ट वीक आप लोगों को नया प्रपोजल, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे वो कैरियर के रिगार्डिंग मिल सकता है। आप लोग ट्रैवल करके जा सकते हो या वो पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर जॉब के रिगार्डिंग भी आपके ट्रैवलिंग हो सकती है। जो ट्रैवल प्लान्स आपके रुके हैं वो डेफिनेटली हो सकता है कि और आपके टिकट्स बुक हो जाएं, वो ट्रैवल प्लान्स फिक्स हो जाएं, आप लोगों की मैरिज इंगेजमेंट की बात फिक्स हो जाए या फिर कुछ लोगों की जैसे ही आप लोग मिलो तो आप लोगों का रोका हो जाए। अगर आप लोग सीक्रेट मैरिज के लिए देख रहे हो तो सीक्रेट मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली नेक्स्ट 7 days में ये सब होगा अगर आप इस एनर्जी में हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि नेक्स्ट 7 days में आप लोगों की लाइफ में क्या होगा और आपको ना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो वो एक्यूरेट है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपने डिसीज़न पर बने रहो, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। एंड 9 of Pentacles इज़ अगेन इम्प्लाइंग कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकता है, कोई कॉल आपको मिल सकती है। एंड द लवर्स इज़ इम्प्लाइंग अगेन अ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन and unconditional love and angels keep blessings and no more single, reunion is very near। but आप लोगों को strong बनना है, positive बनना है, independent बनना है, well mature बनना है and खुद पे focus करना है, focus on yourself। अगर आप इस energy में हैं definitely ये जो भी hurdles हैं आपकी life में वो दूर होने वाले हैं और आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट 7 days में आने वाला है। जिन लोगों की लाइफ में नेक्स्ट स्टेप आए प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फिलहाल ये रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बताएं। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो पेड होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।